How are you? मैं वसीम खान हमेशा की तरह आज बनाने जा रहे हैं हम थाई फूड। इसी तरह मैंने थाई में आपको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थाई फूड बहुत ही मज़े का, बहुत स्पाइसी, ज़बरदस्त फूड है। जिन लोगों को पसंद है, इससे अच्छा फूड इस रीजन में पाकिस्तानी फूड या फिर थाई फूड है। तो थाई फूड में आज मैं बनाने जा रहा हूँ सैलड, थाई बीफ सैलड, बहुत ही मज़े का, डिफरेंट, स्पाइसी भी है और सावरी भी है। उसके लिए जो चाहिए मुझे, सबसे पहले तो आपने अंडरकट ले लेना है बीफ, ये रखा हुआ है जी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, जैसे कि देख रहे हैं आप, लेमन ग्रास पड़ा हुआ है, गलांगल पड़ी है, इसके साथ सेलरी पड़ी हुई है, थाई रेड चिली पड़ी हुई है, टमाटो, ऑनियन, लेट्स, कुकम्बर, और ये इसकी ड्रेसिंग है, ये भी हम आपको बताएंगे कि ड्रेसिंग में क्या डाला है। इसी तरह ये इसकी बीफ की मैरिनेशन रखी हुई है, सिस्मी ऑयल रखा हुआ है, ऑस्टर सॉस रखा हुआ है सारा साथ, और सोया सॉस रखा हुआ है साथ, और साथ हमने जो है राइस, राइस को रोस्ट करके इसको फ्लेवर दिया है हमने, गलांगल का और कैफर लीफ का फ्लेवर दे के इसको रोस्ट करके हमने इसको चूरा किया हुआ है। ये देखें ब्रेड क्रम की तरह बना हुआ है, ये रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बीफ को काट लेते हैं। बीफ को अपने स्लाइस करना है ऐसे, ये थिन स्लाइस करना है, ये बिल्कुल ऐसे, ये देखें आप ऐसे बड़े बड़े पीस थिन स्लाइस कर लें, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इस तरह हमने बिल्कुल जो है थिन स्लाइस बीफ काट लेना है। अब इसको करेंगे मैरिनेट, मैरिनेट करके हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल करने के बाद आपको बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, इंग्रेडिएंट डालेंगे, कुछ स्लाइस करने वाले हैं, कोई चॉप करने वाले हैं, वो करके मैरिनेट करके हम इसको बेहतरीन सा आपको सैलड बना के दिखाएंगे। इसको डालेंगे एक बॉल में और मैरिनेशन करेंगे अब इसकी। स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। ऑस्टर सॉस तकरीबन एक से डेढ़ टेबल टीस्पून डाल दिया मैंने, पिंच ऑफ वाइट पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, और अब जी है जी सिस्मी ऑयल, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून, लाइट सोया सॉस, ये भी 2 टीस्पून। अब बारी है जी ऑयल की। ऑयल में डालूंगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, ये देख लें हल्की सी ब्लैक पेपर डालनी है, और इसको कर लेंगे हम मैरिनेट। मैरिनेट करके हम इसको ग्रिल करेंगे, ये देखें इस तरह। हल्का सा पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास ग्रिडल है या ग्रिल है तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसको ग्रिल कर लें। जाहिर सी बात है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो हर जगह पर ग्रिल और ग्रिडल अवेलेबल नहीं होता, तो आप उसके वजह से आप पैन के अंदर भी कर सकते हैं इसको। ये देखें इसको हम ये इसको ग्रिल कर लेंगे। मीडियम हीट रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी। ये एक तरफ से हो गया, साइड चेंज कर लेते हैं इसकी। ये देखें ज़बरदस्त कलर आया इसको, इसी तरह आपने अच्छा सा कलर दे लेना है इसको लाइट, और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये बीफ हमारा कुक हो गया, अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे हम। ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करते हैं मज़ीद। तो बीफ को देखें हमने मज़ीद जो है स्लाइसिस के छोटे कर लिए हैं, बाइट साइज के स्लाइस कर लिए हैं। ये आप इसे बड़े भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, थोड़ा बड़ा रखना चाहिए तो बड़ा रख लें और छोटे रखने हैं तो छोटे रख लें। ये स्लाइस कर लिया। अब इसके अंदर जो हम जो वेजिटेबल डालेंगे कटिंग करके, सबसे पहले ऑनियन एक मीडियम साइज का आप डाल लेंगे इसके अंदर, वो भी स्लाइस करना है आपने, और थोड़ा सा मोटा स्लाइस रखिएगा, वो मजा करता है।
ये देखें, ये साइज, ये आपने एक अनियन इसके अंदर डालना है। अब जो है थाई रेड चिली, ये तकरीबन 2 से 3 आपने स्लाइस कर लेनी है। रेड चिली स्लाइस कर ली 2 से 3 अदद, आपको बताया कि जैसे कि स्पाइसी होता है ये। अब जो है सेलरी, सेलरी की 2 स्टिक ये मीडियम साइज की ले ली है, इसको भी आपने स्लाइस कर लेना है। तो अब ये डाल देंगे इसमें, ग्रीन ऑनियन ये भी हमने इसी तरह स्लाइस कर लिया, तकरीबन 1 मीडियम साइज की स्टिक है, ये डाल देंगे। अब जो ले लेंगे टमाटो, टमाटो का आपने सीड निकाल लेना है ये। अब इसको भी हमने इस साइज का काट के डालने हैं, 1/4 करके टमाटर, इसके भी स्मॉल जूलियन कर लेने हैं। तकरीबन 1 टमाटो इसके लिए काफी होगा, 2 ऑर्डर बन रहे हैं हमारे। ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब जी ककम्बर, ककम्बर को 1/2 कर लेंगे पहले सबसे, और इसको हल्का सा, इसकी सीड जो है कोशिश करें बहुत ज़्यादा मोटे हो तो निकाल लें, अगर बारीक सीड हैं तो कोई बात नहीं, ये आपने निकाल लिए। अब इसको भी हम स्लाइस कर लेंगे, इसके लिए 2 ऑर्डर के लिए 1/2 ककम्बर काफ़ी है। मिंट लीफ तकरीबन स्मॉल बंच, 3 से 4 स्टिक के जो हैं आपने लीफ ले लेने हैं, वो तोड़ के आपने जस्ट लाइक 2 और 3 कट करके इसमें डाल देने हैं। अब आ रही है जी लेमन ग्रास की, लेमन ग्रास को भी इसी तरह स्लाइस, फाइन स्लाइस करना है आपने, क्योंकि ये मुंह में आएगा फिर आपके, हमें तो अच्छा नहीं लगता लेकिन थाई लोग बड़े शौक से खाते हैं इसको। लेमन ग्रास इसका फ्लेवर क्लास का होता है, आप ग्रीन टी में भी इसको यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी में बहुत मजा करता है ये। देखें बिल्कुल इस तरह आपने थिन स्लाइस करके 1 स्टिक जो है वो हमने तकरीबन इसमें ये डाल दिया, और साथ ही 1 जो स्पून डाल रहा हूँ कोरिएंडर लीफ चॉप करके, ये डाल देने हैं आपने। अच्छा ये जी हमने इसकी ड्रेसिंग बनाई हुई है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या डाला है हमने। इसके अंदर डाला है गलांगल, इसके अंदर डाला है कैफर लीफ, कैफर लीफ, रेड चिली डली है इसके अंदर, इसके अंदर लेमन ग्रास डला है, इसके अंदर बेजल डला है, और लोकल जिंजर डला है, इसके अंदर फिश सॉस डाला है हमने, और सॉल्ट डाला है, और विनीगर डाला है। इन चीज़ों को हमने इकट्ठा एक एक स्टिक लेके इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करके इसका, और इसमें लेमन जूस ऐड करके और विनीगर डाल के ये सॉस बना लिया, इसकी ड्रेसिंग बना ली है। अब इस ड्रेसिंग से ही हम इसको ड्रेस करेंगे और इसको आपको दिखाते हैं अभी प्लेटिंग करके फिर इसकी। ये हमने डाल देना है सॉस, ड्रेसिंग इसकी, और फिर 2 से 3 बड़े स्पून मैंने डाले हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके आपको ये देखिए बड़ा मज़े का, बड़ा डिलीशियस सैलड है। अच्छा अब इसकी आप प्लेटिंग कर लेते हैं, आप प्लेट की बेस के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, आप बगैर ड्रेसिंग के भी लगा, लेट्सेस के भी लगा सकते हैं, मैंने रेड कैबेजेस के नीचे बेस में दे रहा हूँ, आप ट्यूली भी लगा सकते हैं, आप ब्रेड फ्राई करके भी लगा सकते हैं, आप लेट्सेस भी लगा सकते हैं, और बगैर किसी चीज़ के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसके अंदर डालता हूँ, सैलड आपका तैयार है, प्रेजेंटेशन का आपने ख्याल करना है, खूबसूरत हो। ये सैलड जो है इतना लजीज है और मज़े का है, और इसकी प्रेजेंटेशन वैसे ही खूबसूरत बन जाती है जब आप इसको लगाते हैं। तो ये आपका एक ऑर्डर लग गया है, इसके साथ ही हम देंगे इसके लेमन, टॉप के ऊपर देंगे
सैलरी का, और या आप कुछ भी दे सकते हैं, बेजल का बंच भी दे सकते हैं हल्का सा, बेजल का लीफ लगाऊंगा और साथ ही हल्की सी इसको दोबारा से ड्रेसिंग डालेंगे इसके, ताकि इसका टेस्ट जो है मजीद इन्हेंस हो और खूबसूरती की तरफ जाए। एक तो इससे शाइनिंग भी आ जाएगी, ये देखें, और इससे आपका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। यम नोआ थाई बीफ सैलेड बिल्कुल रेडी है नाइस प्रेजेंटेशन के साथ। और इसी तरह मजीद रेसिपीज जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कलरी हीरोज़। हमेशा मुख्तलिफ रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलेंगी, चाहे वो यूरोपियन हो, एशियन हो, मिडल ईस्ट की हो, या यूरोपियन तो मैंने बोल दिया आपको, या अमेरिकन हो, बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी। और वो कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे, जो आप कमेंट करेंगे, जिस चीज़ की रेसिपी आप लेना चाहेंगे वो हम अपलोड कर देंगे। अजीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।